हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में आज के इस लेक्चर में हम द आर्ट ऑफ टेकिंग नोट्स डिस्कस करेंगे राइट right? तो कल के लेक्चर में प्रीवियसली हमने देखा था कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है तो न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है कैसे न्यूज आइटम्स पढ़नी है और उसमें से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं जो आपके नोट्स बनेंगे तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको ये पार्ट वन है लेक्चर का पार्ट टू डालेंगे लेटर इन द डे पार्ट वन में आपको बताएं कि सबसे प्रिलिमिनरी होगा सबसे बेसिक अप्रोच क्या होगी नोट्स मेकिंग की तो हमने देखा था फ्रंट पेज पे आर्टिकल uh, था कोविड नाइनटीन हेल्थ मिनिस्ट्री इश्यूज न्यू गाइडलाइंस वर्क वर्कप्लेसेस तो क्या गाइडलाइंस इश्यू करी हैं हमने कुछ नोट्स बना लिए हैं क्या कहा मिनिस्ट्री ने कि अगर कोई डायग्नोज होता है किसी सस्पेक्टेड या कंफर्म्ड केस होता है कोविड 19 का तो वो ऑफिस अथॉरिटीज को बताए और अपने आप को आइसोलेट करे पूरा ऑफिस बंद करने की जरूरत नहीं है अगर एक या दो केसेस हो तो लेकिन अगर लार्ज आउटब्रेक होता है तो फोर्टी एट आवर्स के लिए ऑफिस बंद होगा बिल्डिंग बंद होगी और डिस करी जाएगी ये पहली रूलिंग पहली गाइडलाइन दूसरी फिजिकल डिस्टेंस एक मीटर का मेंटेन करना मैंडेटरी है और फेस मास्क आपको पहनने ही पहने हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को लेके अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ने हैंड वॉशिंग के रूल्स बताए हैं कम से कम 40 से 60 सेकंड तक करें अगर आपको लग रहा है हाथ विजिबिलिटी भी नहीं है तो भी करें अल्कोहल बेस्ड हैंड सेटाइजर यूज करें रेस्पिरेटरी एटिकेट्स फॉलो करें तो क्या है रेस्पिरेटरी एटिकेट्स अपना मुंह कवर करें नोज कवर करें वाइल्ड कफिंग स्नीजिंग विद टिश्यू एल्बो और जो यूज टिश्यू है उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें राइट right? तो ये रूल्स बता दिए ये गाइडलाइंस बता दी हमने नोट्स बना लिए अब दिस इज परफेक्टली ऑल राइट बट एज यू कैन सी इसमें काफी स्कोप है इसको और कट डाउन करने का कट डाउन करने का एक सिंपल थंब रूल है अपने शब्दों में उसको लिखो राइट राइट दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स राइट दिस इज द दस्ट वे द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल वे ऑफ मेकिंग शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज नोट्स राइट बट अब दैट इज एन एक्सरसाइज दैट यू मस्ट प्रैक्टिस पहली अटेम्प्ट के लिए हमने आपको कॉपी पेस्ट नोट्स दिए हैं इन द सेकेंड We'll right? ट्रेन की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कहा है कि अब क्या होगा कि मान लो स्टेट ए से स्टेट बी पैसेंजर्स जाना चाहते हैं माइग्रेंट लेबर जाना चाहती है तो स्टेट ए जो है वो उस लेबर को रजिस्टर कर ले उस माइग्रेंट उन माइग्रेंट्स को रजिस्टर कर ले कि वो जाना चाहते हैं हमें बताएं और हम उस जगह के लिए ट्रेन शुरू कर देंगे स्टेट बी जहां पे ट्रेन टर्मिनेट होनी है उनसे पूछने की जरूरत नहीं है पहले रूल्स थे कि ए और बी दोनों आपस में राजी होंगे तो रेलवे ट्रेन चलाएगी अब स्टेट बी की कुछ कोई कोई रोल नहीं है कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है स्टेट ए को रिक्वेस्ट देनी है और रेलवेज ने कहा है कि हम होम मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेशन में अलाउ करेंगे ये ट्रेन्स चलनी ये श्रमिक ट्रेन्स की कहानी देन सुपर साइक्लोन अम्फन की कहानी तो अम्फन क्या है अम्फन के बारे में इंफॉर्मेशन क्या क्या मिली है हमें ये मिली है कि इट एज स्लाइटली वीकेंड और वेडनसडे ट्वेंटी मे ट्वेंटी को इट विल मेक लैंडफॉल बिटवीन दिघा इन वेस्ट बंगाल एंड हतिया आइलैंड्स इन बांग्लादेश ठीक है आईएमडी के करंट एस्टिमेट के हिसाब से क्या, है? तो क्या होता है वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टोन ये पता नहीं क्योंकि आर्टिकल ने नहीं दिया था तो ये एक्सरसाइज हमने अभी करी नहीं है ये हम चाहते हैं कि आप अपने एंड पे प्रैक्टिस करें एंड डिस्कस विद यू इन दिनिंग की आपने क्या किया कैसे किया सही किया या गलत किया राइट देन लैंडफॉल करने के बाद वेरी सिवियर साइक्लॉनिक स्टॉम होगा ये बट इट विल स्टिल कंटिन्यू टू जनरेट स्ट्रॉन्ग विंडीड ऑफ वन फिफ्टी फाइव टू वन सिक्सटी फाइव किलोमीटर पर आवर और सिवियर डैमेज इंफ्लिक्ट करेगा ठीक है 155 टू 165 किलोमीटर पर आर की स्पीड्स होंगी अप टू 185 किलोमीटर जा सकती हैं और चार से पांच मीटर का स्टॉम सर्ज होगा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में प्रीवियसली साइक्लोन आइला 2009 और साइक्लोन बुलबुल 2019 जो आए थे देन वाइजैग में गैस लीक को लेके एक आर्टिकल था तो आर्टिकल क्या कहता है कि एल ने सुप्रीम कोर्ट को कॉन्टैक्ट किया सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया राधा कॉन्टैक्ट नहीं अप्रोच किया और कहा कि हाई कोर्ट ने आ, आ, हाई कोर्ट के पास मैटर अंडर कंसिड्रेशन है एक कमेटी बन गई है जो कि जांच करेगी कि कैसे ये गैस लीक हुआ तो ऐसी सिचुएशन में एनजीटी को सुओ मोटो कॉग्नीसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है एनजीटी ने सुओ मोटो कॉग्नीसेंस लेके 50 करोड़ का फाइन लगा दिया था एलजी पे एल ने कहा कि इवन दो हमने फाइन भर दिया है हम चाहते हैं कि एन में ये केस नहीं सुना जाए क्योंकि और जगहों पे यह केस चल रहा है जैसे कि हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश उन्होंने भी ये इसकी कॉग्निजेंस लिया हुआ है और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर कोई ऑर्डर नहीं पास करेंगे अगर एन सुन रहा है तो एन कैन कंटिन्यू हियरिंग द मैटर ठीक है नोट्स बना लिए रोल ऑफ लोकल बॉडीज इन टैकलिंग दी कोविड मैनिस अब केरला मॉडल की बात कर रहे थे तो केरला में क्या हो रहा है कि आने वाले दिनों में बाहर से आउट ऑफ इंडिया और इंडिया के बाकी पात से काफ़ी सारे लोग केरला वापस आएंगे जिनसे एक्सपेक्ट जिनसे ये जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि केरला में जो कोविड अफेक्टेड पेशेंट्स हैं उनके नंबर्स बढ़ेंगे तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक ग्रास रूट मॉडल रेकमेंड किया है लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करने का मॉडल रेकमेंड किया है तो वो क्या कह रहे हैं कि इलेक्टेड पंचायत और म्युनिसिपल मेंबर्स जो हैं उनकी कमिटीज बनाई जाए वार्ड लेवल पे वो नेबरहुड्स को टूर करें और इंश्योर करें कि जितने भी लोग क्वारंटाइन में हैं उनका वो सेफ हैं और उनका ख्याल रखा जा रहा है इस कमेटी के मेंबर्स पूरे नेबरहुड्स में फैल जाएं, जगह जगह हर 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 गली में जाके लोगों से बात करें उनको समझाएं उनको कन्विंस करें कि मास्क पहनो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो हाथ धोने की प्रैक्टिस रखो कमर्शियल प्रेमिस को डिसइंफेक्ट करो जो बच्चे दस साल की उम्र से कम हैं उनको घर पे रखो क्वारंटीन करके रखो बाहर नहीं निकलने दो और जो लोग क्वारंटीन में हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन हेल्थ और पुलिस डिपार्टमेंट के पास हो तो ये रिकमेंडेशन ये कुछ बातें केरला चीफ मिनिस्टर ने सामने रखी हैं देखा जाए तो ये कितना एक इफेक्टिव एसओ बनाया जा सकता है कोविड कोविड नाइन्टीन के साथ डील करने के लिए राइट आप ये एथिक्स के पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट में गवर्नेंस में कहीं पे भी इसको इन रिकमेंडेशन को कोट कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं इंडिया यूएस टू कोलेबरेट ऑन वैक्सीन ट्रायल्स तो वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम है जिसके तहत इंडिया और यूएस की जो एजेंसीज़ हैं इंडिया में आईसीएमआर और डीबीटी और यूएस की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये कोलेबरेट करेंगी कोविड नाइनटीन की वैक्सीन पे काम करने के लिए थर्टी थ्री ईयर ओल्ड कोलेबोरेशन है जो इन ऑर्गेनाइजेशन के बीच चल रही है इसी के तहत यूएस 200 वेंटिलेटर्स इंडिया को डोनेट कर रहा है जिसके पैसे जो है यूएसएडी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट वो इसके पैसे देगी फाइव मिलियन डॉलर्स जो उन्होंने फंडिंग अनाउंस करी हुई है उसी फंडिंग से ही इस इन वेंटिलेटर्स का भी पेमेंट करेगी यूएस एड राइट तो ये कोलैबोरेशन की बात है देन अर्नब गोस्वामी केस के बारे में भी हमने बात करा था एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था जुडिशियरी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस टू स्पीक ट्रूथ टू पावर इज इंश्योर्ड और यह जरूरी है यह इंश्योर करती है कि लोग फ्री रहे नेशन फ्री रहे बट जर्नलिस्टिक लाइसेंस जो है वो आपको एप्सल्यूट राइट right नहीं देता इवन दैट राइट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल नाइनटीन टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो बहुत बढ़िया बात कही ये सुप्रीम कोर्ट ने अगेन ये ऐसी अच्छी बात आप जहां चाहें वहां कोर्ट कर सकते हैं आपको पूरी लिबर्टी है सोशल इश्यूज में कोर्ट कर सकते हैं पेपर टू में कहा कहीं भी कोर्ट कर सकते हैं पेपर थ्री uh, में कोट करो फोर में कोट करो एस के पेपर में कोट करो अच्छी लाइन है दिमाग में बैठाओ और कोट करो राइट right? आगे बढ़ते हैं हॉटर ओशन स्पॉन सुपर साइक्लोन्स तो इस बारी हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर जो है बे ऑफ बंगाल में वो वेट कर रहे हैं मतलब वो बढ़ावा दे रहे हैं टू सुपर साइक्लोन्स और इसमें लॉकडाउन का भी इनडायरेक्ट रोल रहा है क्या रोल रहा है सुपर साइक्लोन जो है वो वेस्ट बंगाल की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और 1999 के बाद का सबसे बड़ा ये यह स्ट्रॉगेस्ट स्टर्ज है जो बे ऑफ बंगाल में बना है अब साइक्लोन्स जो हैं वो अपनी एनर्जी गेन करते हैं फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर जो जनरेट होता है वार्म ओशन सर्फेसिस से अब क्योंकि इस बारी रिकॉर्ड टेम्परेचर्स हैं इतनी गर्मी हुई है कि ओशन टेम्परेचर्स ज्यादा हैं गर्मी ज्यादा है ग्लोबल वार्मिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल फ्यूलिशंस अब इस साल सेवरल पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल में रिकॉर्ड टेम्परेचर्स अटेन किए हैं तो इसलिए इस एक कारण है इस इतने स्ट्रॉन्ग सुपर साइक्लोन के बनने का कैटेगरी वन से कैटेगरी फाइव साइक्लोन ये एटीन आवर्स के पीरियड में बन गया विच इज एन अनयूजुअली क्विक एवोल्यूशन फॉर अ साइक्लोन अब कहना वो ये चाह रहे हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो आते हैं समर मंथ्स में कॉमन है कोई बड़ी बात नहीं है अब मॉनसून का अराइवल भी ये एड करते हैं बट वो ये कह रहे हैं कि इंडिया में जो वार्मिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड टू बे ऑफ बंगाल नहीं है वो अरेबियन सी में भी होती है वो इंडियन ओशन में भी होती है इससे क्या है जो स्टॉम को प्रोडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक कोई डेफिनेट पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है एक रिसर्चर है वो इसमें एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जोड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि इस बारी लॉकडाउन हुआ है तो पोल्यूशन बहुत कम हो गया है हवा में पार्टिकुलेट मैटर बहुत कम है फैक्ट्रीज कम ऑपरेट कर रही हैं कार्बन काफी कम है तो उसकी वजह से जो ये पार्टिकुलेट मैटर कम है हवा में एरोसोल्स नहीं बन रहे हैं ये जो एरोसोल्स बनते हैं ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और सरफेस को कम गर्म होने देते हैं अब सरफेस अगर कम हीट होगा तो इन साइक्लोन जो कॉन्सिक्वेंस uh, साइक्लोन जो बनेगा उसके पास कम एनर्जी होगी बट क्योंकि नहीं बन रहे हैं तो जो सरफेस ऑफ द वाटर है ये ये ज्यादा हीट अप हो रहा है और ये एक है और एक रीजन कि इस बार जो साइक्लोन डेवलप हुआ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप हुआ है राइट देन कैलीग्राफी के बारे में भी एक छोटा सा आर्टिकल था बड़ा आर्टिकल था बट हमने कम जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन थी वो एक्सट्रैक्ट करी है तो रजा लाइब्रेरी के बारे में वो बात करते हैं रजा लाइब्रेरी क्या है अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ रामपुर की लाइब्रेरी है जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी है ये लाइब्रेरी में 5500 के आसपास अरबिक अरेबिक हैं एंड अ लॉट ऑफ देम हैव रेयर स्पेसिमेंस ऑफ कैलीग्राफी बाई मास्टर्स फ्रॉम इंडिया एज वेल एज ईरान

इराकी आर्टिस्ट और स्टेटमेन स्टेट्समैन इब्न मुकला नाइन्थ टेंथ सेंचुरी ही इज कंसीडर्ड टू बी द इन्वेंटर ऑफ द फर्स्ट कर्सिव स्टाइल ऑफ अरेबिक लेटरिंग द नस्क स्क्रिप्ट तो ये कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो मिली कैलीग्राफी को लेके आगे इंडिया चाइना बॉर्डर के न्यूज एनालिसिस की कहानी थी ये देखते हैं तो हाल ही के दिनों में कुछ स्कफल्स uh, हुए हैं इंडियन चाइनीज ट्रूप्स के बीच में क्यों हुआ है क्या एनालिसिस है देखते हैं तो ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है टू पेट्रोल द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी वो बढ़ गई है अब इसके साथ-साथ इंडिया ने अपनी एबिलिटी तो एनहांस कर ली है लेकिन चाइना का भी जो स्टैंड्स है वो और स्ट्रॉन्ग और रिजिड हो गया है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा कि इतना इतनी ज़्यादा इन्हैंस्ड पेट्रोलिंग अब इंडिया कर रहा है तो उधर चाइना भी दिखा रहा है कि हम मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा लेकिन इंडिया कर रहा है क्योंकि इंडिया की कैपेबिलिटी प्रूव हो गई है इसकी वजह से बॉर्डर पे टेंशन फ्यूल हो रही है एक वो ये कह रहे हैं कि इन जनरली भी समर मंथ्स में क्या होता है क्योंकि वेदर खुल जाता है पेट्रोलिंग दोनों साइड्स बढ़ा देती हैं दोनों साइड्स पेट्रोलिंग बढ़ा देती हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपस में कंफ्रंटेशन भी वाजिब ही होनी ही है तो अब कंफ्रंटेशन को एक्सकलेट होने से रोकना है तो कैसे रोकें टू का एक प्रोटोकॉल है ऑन मोडेलिटीज फॉर इंप्लीमेंटिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो कहता है कि नाइदर साइड शाल यूज फोर्स और थ्रेटन टू यूज फोर्स तो एक दूसरे के अगेंस्ट फोर्स यूज करने से रिफ्रेन करें देन 2013 का बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट है जो कहता है कि दोनों साइड एक दूसरे को टेल नहीं करेंगी मैक्सिमम सेल्फ रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करेंगी अगर आप कहीं एक ऐसी जगह पे अपने आप को पाते हैं जो सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल ग्राउंड है ना इंडियन टेरिटरी है ना चाइनीज टेरिटरी है बीच में कहीं है अगर यहां पे एक दूसरे को पाते हैं फोर्स नहीं एक्सरसाइज करना रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करना है राइट right? देन ये चीज है अगेन इंडिया की कैपेबिलिटी बढ़ गई है चाइना का स्टैंड थोड़ा ज्यादा अजर्टिव हो गया है तो ये रीजन बन रहा है फ्रंटेशन का इंडिया जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज एनहेंस करने पे लगा हुआ है टू टू बॉर्डर बॉर्डर पेट्रोल इट्स चाइना तो उस कॉन्टेक्स में इंडिया का प्लान है कि बाय दिसंबर 2022 ऑल 61 वन स्ट्रेटेजिक रोड अलॉन्ग द बॉर्डर जो अरुणाचल में जम्मू कश्मीर में सिक्किम उत्तराखंड हिमाचल सारी स्टेट्स में है रफली अबाउट थर्टी फोर हंड्रेड किलोमीटर ये सारी की सारी अपग्रेड कर दी जाएंगी सबकी केपेबिलिटी जो है इंडिया एनहेंस कर रहा है इंडिया क्या सोच रहा है इंडिया बैलेंस रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है कि आपकी केपेबिलिटी आपकी साइड पर बहुत ज्यादा है पेट्रोलिंग करने की चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है इंडिया कह रहा है आई इल ऑल्सो एनहेंस माई केपेबिलिटीज सो दैट इवन वी कैन हैव एन इफेक्टिव पेट्रोलिंग अलॉन्ग द बॉर्डर चाइना अगेन ज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद सच अंडलिस मिला उस आर्टिकल से आगे बढ़ते हैं की बात करते हैं तो एमएसएमई क्राइटेरिया को लेके कुछ रूल्स में चेंजेस आए हैं माइक्रो फॉर्म की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है अगर अप टू वन करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और अपू और लेस देन फाइव करोड़ का टर्न ओवर है तो आप एक माइक्रो फॉर्म होंगे अगर 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ से कम का रेवेन्यू है तो आप स्मॉल फर्म होंगे अगर 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो आप मीडियम फर्म होंगे यह मीडियम वाला जो क्राइटेरिया है जो आज 20 और 100 का है यह पहले 10 और 50 था इसको बढ़ा के 20 और 100 कर दिया है गवर्नमेंट इसको बढ़ा के फिफ्टी और टू हंड्रेड करना चाहती है बट इसका अभी एक फॉर्मल ऑर्डर अवेटेड है तो ये एम एस एम ई क्राइटेरिया चेंज किया गवर्नमेंट ने ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो हमने डायरेक्टली न्यूज़पेपर से लिफ्ट कर ली इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं इसमें एडिटोरियल पेज के टॉपिक्स नहीं हैं वो हम चाहते हैं कि पहले आप उनको ट्राई करें अपने एंड पे एडिटोरियल और ऑपेड आर्टिकल्स जो हैं राइट right? इसके अलावा वी वॉन्ट कि आप न्यूज़ पढ़ें और आप पॉइंट आउट करें कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में ये एक फ्रेज़ ये एक टर्म यूज़ हुआ था जिसका मुझे मतलब नहीं पता है ये एक लॉ के बारे में मेंशन किया गया था ये एक एक्ट के बारे में मेंशन किया था ये एक फंडामेंटल राइट right के बारे में मेंशन किया था जो कि मुझे नहीं पता है ये रिसर्च आप अपने एंड पे करें देन वील सी वील टेल यू कि ये रिसर्च आपने आपको करा होना चाहिए था देन यू कैन टैली की अच्छा मैंने सही रिसर्च किया या नहीं किया बट वी वॉन्ट की आप अपने एंड पे ये चीज एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस करें सो दैट यू नो हाउ टू गो अबाउट मेकिंग नोट्स फॉर योर सेल्फ राइट बिकॉज दैट इज वेरी इंपेरेटिव अगर आप साथ साथ गूगल करके कुछ अपने नोट्स में एडिशन नहीं कर रहे तो आप कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो पचास हजार बच्चे और भी कर रहे हैं राइट सो यू नीड दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन टू एड टू योर नॉलेज सबसे पहली चीज ये दूसरी चीज ये जैसे कि हमने शुरू में बात करी थी एंड में आई रीट्रेट, ये जो आप नोट्स देख रहे हैं आपके सामने ये कॉपीड पेस्टेड फ्रॉम द आर्टिकल्स हैं ट्राई टू गेट देम इन योर ओन वर्ड्स एक बार दो बार पढ़ लें कोई बात नहीं अगर आपने नोट्स बना लिए हैं कॉपी पेस्ट करके उसके बाद आपको ज्यादा क्लैरिटी हुई है उसके बाद आपको ढंग से समझ आया है और अब अगर आप अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं देन गो फॉर इट बट डू ऑलवेज ट्राई टू मेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स दिस इज द अल्टीमेट की टू गेटिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एग्जाम राइट तो ये पार्ट वन था हमारे दी आर्ट ऑफ नोट मेकिंग का आर्ट ऑफ टेकिंग नोट्स का इसका जो सेकेंड पार्ट है इवनिंग में रिलीज करेंगे ंटिल देन वी वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस मेक नोट्स एंड देन यू कैन टैली की आपके नोट कितने इफेक्टिव थे तो मिलेंगे आपसे सेकंड पार्ट में तब तक के लिए थैंक यू